हमारे देश में लगभग हर दो महीने में चुनाव होते रहते हैं। अब कोई चुनाव जो है ना फाइनल होता है ना सेमीफाइनल होता है। लोगों का ये एक मैं मानता हूं कि लोकतंत्र का पर्व है और लोकतंत्र के पर्व में जो खुशी की बात है कि लोग बहुत पूरे जुनून और जज्बे के साथ उसमें हिस्सेदारी भागीदारी करते हैं। सुशासन और विकास, डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस जो है वो एक बड़ा मुद्दा होता है और उस मुद्दे को लेकर के लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। जिन राज्यों में अभी पांच राज्यों में जहां मतदान हो चुका है, जहां मतदान हो रहा है, उसमें भी लोगों का जुनून और जज्बा मतदान को लेकर के, अपने मताधिकार को लेकर के बहुत साफ दिख रहा है। मेरी तो अपील यही है कि सभी लोगों को मिल करके पूरी मजबूती के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए, एक एक वोट डालना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह की जो वहां की सरकार है और सरकार से जुड़े हुए जो अराजक तत्व है, जिस तरह की उद्दंडता और अराजकता सर चढ़ के बोल रही है, हो रही है, वो चिंता की बात है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस तरह का व्यवहार वहां की तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सरकार और उसके लोग कर रहे हैं, वो इस बात का प्रतीक है कि वो भारतीय जनता पार्टी की जो लोकप्रियता है, लोगों में जो स्वीकारिता है, एक्सेप्टेबिलिटी है, उससे घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं।